इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री स्वास्तिक, श्रीमती प्रियंका, आशिका, अक्षत। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनेकांत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध शहर हावड़ा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। 20 एवं 21 अप्रैल 2024 को आयोजित हुए प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में जिनेंद्र भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर धर्म की प्रभावना की। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इस महोत्सव के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनेकांत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 20 एवं 21 अप्रैल 2024 को जिनेंद्र भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध शहर हावड़ा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में आयोजित इस महोत्सव के प्रथम दिन अर्थात 20 अप्रैल को पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु के जन्म से पूर्व त्रिशला माता को देखे 16 स्वप्नों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। महल में जन्म लिया महावीर, महल में जन्म लिया महावीर, जगत की दूर हुई सब पी। महल में जन्म लिया महावीर, जगत की दूर हुई सब पी, जगत की दूर हुई सब पी। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने प्रभु का पालना झुलाने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। कार्यक्रम में दूसरे दिन अर्थात 21 अप्रैल 2024 को महोत्सव की शुरुआत सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ किया। शांति धारा के बाद श्रावकों ने प्रभु को शिरोधार्य कर रथ में विराजमान किया। तत्पश्चात जयकारों के साथ श्रावकों ने प्रभु की भव्य रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के दौरान भक्तगणों ने प्रभु की मंगल आरती की। ढोल नगाड़ों के साथ निकल रही इस रथ यात्रा में श्रावक श्राविकाएं भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए नगर के वातावरण को सुशोभित कर रहे थे।
सुसज्जित रथों में बैठे पुण्यशाली भक्त एवं ढोल नगाड़ों की ध्वनियों में झूमते थिरकते श्रद्धालु रथ यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी दौरान जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। तुझको नमन भक्ति में तेरी मन है मगन। काटो प्रभु मेरे सारे कर्म, काटो प्रभु मेरे सारे कर्म। करना है मुझको मुक्ति वरन, मेरे महावीर तुझको नमन भक्ति में तेरी मन है मगन। रथ यात्रा के मंदिर जी पहुंचने के उपरांत श्रावकों ने श्री जी को शिरोधार्य कर पांडुशिला पर विराजमान किया। तत्पश्चात जिनेन्द्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने कर्मों की निर्जरा की। बाज रहे हैं ढोल मृदंग मजीर, चारों दिशा में बाज रहे हैं ढोल मृदंग मजीर। त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर। प्रभु मेरे महावीर, दानव देव जीव और मानव आज सभी हर्षा रहे। सिद्धार्थ के महल में खुश हो देव रतन बरसा रहे, देव रतन बरसा रहे। तीन लोक का नायक जन्मा हरने सबकी पीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर। त्रिशला के नंदन की देखो छवि बड़ी मत वाली है, अतवीरा के बाल रूप की शोभा बड़ी निराली है, शोभा बड़ी निराली है। एक झलक पाने को प्रभु की नैना बड़े अधीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान। अगले क्रम में महोत्सव में पधारे सानंद प्रसून बनर्जी एवं विधायक गौतम चौधरी जी ने महोत्सव के साथ ही अन्य विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। हम हावड़ा के एमपी हैं, ये तो अच्छे लगे हमारा इतना टाइम ऊपर वाले से, हम सोचते जे भगवान आ जाते, इतना सुंदर से करते, कोई कोई अपने बात फालतू बात नहीं, सब कोई मिल के। हम मिले थे, हमारा जान पहचान बहुत है, राजस्थान में जाते हम बहुत, हमारा दोस्त है, तो इधर में हम लोग का आके इतना अच्छा लगा, वो हम सोचा जो भगवान चला है, हमारा दिल से ऐसी है, हम ऐसी ब्राह्मीण है, हम लोग भी पूजा करते, आप लोग का पूजा अलग है, सुंदर है, आपने घर से जाके सब मिलके पानी दे रहा, सब कुछ दे रहा, यही तो होता ना सब कुछ करने के लिए। कभी पूजा करके लफाएंगे हम लोग चिल्लाएंगे वैसा होता नहीं, हम लोग का धर्म बचा के रखे कौन लोग, जैन लोग, जैन लोग हम हॉस्पिटल में जाते ना पैसा नहीं लेते, इतना अच्छा जैन एक अलग था हमारा पास में, छोटा से बड़ा हुआ हम, बहुत जोर से बड़ा हुआ हम, कलकत्ता में था उधर से हम जैन को पसंद करते। ये हावड़ा के नहीं सारा बंगाल के जे जैन मंदिर हम लोग का नॉर्थ हावड़ा में है, और नॉर्थ हावड़ा के हेरिटेज
ये जैन मंदिर है। हमरा 3 बार जीत चुके हमरा कैंडिडेट प्रसून बनर्जी एमपी हो गए हैं, 4th बार भी जीतेंगे। महावीर की आशीर्वाद हो, भगवान के आशीर्वादा का माथा का ऊपर महावीर का आशीर्वाद रहे। संध्या काल में पुण्यवान भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती कर मंदिर जी के वातावरण को भक्ति में बना दिया। आरती के बाद कार्यक्रम में श्राविकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। तदुपरांत अन्य श्राविका ने भगवान महावीर के जीवन एवं उनके सिद्धांत बताते हुए महोत्सव पर अपने विचार व्यक्त किए। जन्म महोत्सव आया है, कण कण हर्षित है, घर घर आनंद छाया है। महावीर प्रभु का जन्म महोत्सव आया है। जंग एक थी लड़ा नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। अहिंसा अपरिग्रह अनेकांत का हम सभी को मंत्र दिया। उस जगत के तारक महावीर को कोटि कोटि बंधन है, उनकी राह पर चलकर हमें भी तोड़ने हैं बंधन बोते। भगवान महावीर की मूल शिक्षा है अहिंसा, जिसका सीधा अर्थ है कि व्यवहारिक जीवन में हम किसी को कष्ट नहीं पहुँचाए। अगली कड़ी में मंच संचालिका ने अग्रिम कार्यक्रमों की जानकारी दी, तो वही बालिका मंडल ने भक्ति गीत पर अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही गीत एवं नृत्य के माध्यम से जिनेंद्र भक्तों को प्रभु एवं उनके माता पिता के बारे में बताया गया। आज हमारे कुल 60 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हैं और हर एक के मन में भगवान का ये जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का बहुत उत्साह है। तुम्हें मिलाऊं सबसे आज, सुनो सुनाऊं सबके हाल। तुम्हें मिलाऊं सबसे आज, सुनो सुनाऊं सबके हाल। देखे 16 सपने मैंने आधी रात में, अब भक्तों ने कलाकारों द्वारा दी गई नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति के माध्यम से प्रभु के 5 नाम की कथाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात श्राविकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में भक्ति का रस घोल दिया। भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से ही पूरे कुंडल ग्राम में रत्न वृष्टि होने लगी थी। आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखने लगे, धन धान्य की वृद्धि प्रारंभ हो गई। मनुष्य तिर्यंच आदि अत्यंत प्रसन्न थे। धन्य हो प्रिय, यह शुभ स्वप्न इस बात को सूचित करते हैं कि आपके गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी बलशाली
द्वै दीप्तिमान तीर्थंकर बालक का अवतरण हुआ है। इस प्रकार भगवान महावीर का प्रथम नाम वर्धमान रखा गया। ये थे भगवान महावीर के पांच नाम और उनसे जुड़ी कहानियां। बोलो महावीर भगवान की जय। नृत्य की प्रस्तुति के बाद जिनेंद्र भक्तों को प्रभु का पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति में वातावरण में प्रभु भक्ति का आनंद लिया। कार्यक्रम की समापन बेला पर श्रेष्ठी जनों ने महोत्सव के सफल आयोजन पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमने भगवान के 2550 जन्म जयंती बहुत ही सुंदर तरीके से मनाई गई है। कल हम लोगों ने पालना झुलाने का कार्यक्रम रखा, शाम को 7 बजे से इतने सुंदर तरीके से पालने का कार्यक्रम रखा गया। बहुत सुंदर महिलाओं ने साथ दिया, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मेरा यही कहना है कि आज हम ये महोत्सव मना रहे हैं, पर इस बात को हम ना भूलें कि भगवान महावीर के बताए हुए पथ पर हमें भी चलना है और हमें भी इसी प्रकार उनके प्रकार अपना कल्याण करना है और उनकी बताए हुए मार्ग को मन में धारना है और आगे चलकर इसी पदवी को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। पूरे धर्म प्रभावना का माहौल पूरे कलकत्ता में छाया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा बड़ा बुजुर्ग, सभी ने अति उत्साहपूर्वक उत्साह से इस पर्व को मना करके आनंद पूर्वक जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाया। मैं हमेशा ये चाहती हूँ सभी जैन वर्ग अपने तन मन धन से धर्म प्रभावना का पूरा कार्य हमेशा निरंतर करता रहे। अहिंसा परमो धर्म जय की जय हो। भगवान महावीर का 2550वां जन्म महोत्सव मनाया है। पूरे भारतवर्ष में हम 2550वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं। सभी युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इस महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनेकांत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से मनाए गए भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के अनुपम दृश्य। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध शहर हावड़ा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 20 से 21 अप्रैल 2024 को मनाए गए इस भव्य महोत्सव में जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री स्वास्तिक, श्रीमती प्रियंका, आशिका, अक्षत।